नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तुम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए, अभी तक जितने भी हमने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सीरीज आपका कराया हुआ है, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारी वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पेपर थ्री का एक पूरा कम्प्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए, आपको जनरल स्टडी, जनरल साइंस और कंप्यूटर बेसिक्स का, इन तीनों सब्जेक्ट का जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, साथ में आपको इन सब का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए जो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो सरजी क्लासेस के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश, उसके लिए भी हमने बनाया हुआ है। और इसके साथ में जनरल साइंस का जो पीडीएफ है आपका, या फिर जो है आपका कंप्यूटर का पीडीएफ हो, या फिर जो हिंदी इंग्लिश, सभी का देखिए पीडीएफ भी हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है आपको। तो आप लोग अगर कोर्स में रहना चाहते हो तो कर सकते हो, आप लोग पीडीएफ भी आप लोग बाई कर सकते हो। अगर आप लोग को जैसे पीडीएफ ही बाई करनी है तो आप लोग वो भी कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे हमने सारे जो है फैसिलिटी आपको अवेलेबल करा दिया है। तो आपको देखिए सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब पूछे गए थे आपके, इन ह्यूमंस डाइजेशन बिगिंस इन दी, तो ह्यूमंस के अंदर में जो है डाइजेशन ये कहाँ शुरुआत होती है। तो देखिए दोस्तों, डाइजेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये जो है आपका प्रोसेस जो होता है ना, तो ये माउथ में जैसे हम लोग फूड लेते हैं हम लोग, तो डाइजेशन का प्रोसेस है वहीं से आपको शुरुआत हो जाता है। यानी कि जो बकल कैविटी होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं माउथ का जो पोर्शन रहता है, तो यहीं से जो है ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। इसके बाद देखिए फिर पाइप के थ्रू, जो ओएसएफएगस हम लोग बोलते हैं, इसके थ्रू जो है आएगा आपका स्टोमक के अंदर में, फिर इसके बाद जो इंटेस्टाइन में आपका ये जाएगा। तो तीन स्टेज में जो डाइजेशन का प्रोसेस आपका ये होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया था कि डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये बक्कल कैविटी यानी कि माउथ से आपका स्टार्ट होता है। ये ओएसोफेगस देखिए, ये क्या होता है कि सिर्फ एक फूड पाइप होता है जिसके थ्रू फूड जो है स्टोमक के अंदर में आपका आता है। स्टोमक में भी होती है, इंटेस्टाइन में भी होती है डाइजेशन का प्रोसेस। तो थ्री स्टेप्स में ये होते हैं ये, लेकिन बिगिंस कहाँ से होती है, तो बक्कल कैविटी से ही शुरुआत हो जाती है। और बाकी देखिए इसके रिगार्डिंग डिटेल में आप लोग जो है पढ़ सकते हो, जो कोर्स हमने डिजाइन किया हो, तो उसमें जो इन सबको अच्छे से समझाया हुआ है, तो एक बार आप लोग उसको ज़रूर देखना आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच एसिड इज सिक्रेटेड बाई सर्टेन ग्रेंडुलर सेल्स इन द स्टोमक लाइनिंग, यानी कि कौन सा एसिड जो है सेक्रेट होती है सर्टेन ग्रेंडुलर सेल्स के द्वारा, जो कि स्टमक लाइनिंग के अंदर में ये होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथेनोइक, फॉर्मिक और नाइट्रिक। तो देखिए एसीएल जो है, तो ये स्टमक लाइनिंग में जैसे प्रेजेंट रहता है, तो ये उसके द्वारा सेक्रेट होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके रिगार्डिंग देखिए आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि स्टमक के अंदर में बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जैसे कि एक प्रेजेंट रहता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, आपका प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है, जो कि स्टोमक के लाइनिंग के उसमें प्रेजेंट रहती है, जो कि गैस्ट्रिक जूस को ये सिक्रेट करता है आपका, जिसके अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, और ये जो है माइक्रोबियम को किल करता है, फिर पेप्सिनोजिन, और तीसरा होता है आपका मुकोशा। तो ये जो है सिक्रेट होती है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा है कौन सा एसिड यहाँ पे कौन सिक्रेट होती है, तो ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका हो जाएगा। और बाकी और पूछे आपसे तो वो भी आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपका पेप्सिनोजिन है और मुकोशा है, तो ये सब भी आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड फैट अकर इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि डाइजेशन जो होती है हमारे बॉडी के अंदर में, तो देखिए जो फूड फैट है तो वो जो है कहाँ पर होती है, तो देखिए दोस्तों जो इंटेस्टाइन जो होता है ना हमारा, तो वहाँ पर जो है जो फैट जो रहते हैं, तो उन सबका डाइजेशन जो है अधिकतर यहीं पर होती है। तो इस तरीके से इंटेस्टाइन आपका हो जाएगा। और देखिए ये सारा चीज़ आपको जो है इसके अंदर में मिल जाएंगे, जैसे कि इंटेस्टाइन जो आपका रहता है, तो स्मॉल और लार्ज ये दोनों होते हैं, तो जितने भी डाइजेशन जो होते हैं, मोस्टली जो डाइजेशन जो आपका होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका होता है ये। और उसमें से भी देखिए जो दो होते हैं स्मॉल और लार्जर, तो स्मॉल और इंटेस्टाइन लार्जर होता है साइज़ के कंपेरिजन में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखना। और बाकी देखिए डाइजेशन जब्सन जो आपका रहता है तो वो इलियम में होती है यहाँ पर। और एक आप लोग याद रखना कि जो पेनक्रियाटिक जूस है, जो कि एक लिक्विड सिक्रेट होता है पेनक्रिया के द्वारा, जिसके अंदर में एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं हम लोग ट्राइपनोजीन, कि प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है, और एक होता है लाइपेज, जो कि ये फैट डाइजेशन में जो है हेल्प करता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना, पूछा आता है आपसे एग्जामिनेशन में कि जैसे लाइपेज है और साथ में ट्राइपनोजीन जो है, तो ये कौन जो है कौन सिक्रेट करता है एंजाइम, कि पेनक्रियास करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज ह्यूमन इंटेस्टाइन विच वन इज़ लॉन्गर,
यानी कि स्मॉल और लार्ज जो होता है ना ह्यूमन के इंटेस्टाइन जो होते हैं, कौन लॉन्गर आपका होता है। तो हमने देखिए आपको अभी बताया था कि जैसे कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो उसमें से जो लार्जर इंटेस्टाइन होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेंथ में ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का। भले आपको पढ़ने में लग रहा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल होगा, लार्ज मतलब लार्ज होगा, ऐसा नहीं है। लेंथ में जो स्मॉल इंटेस्टाइन ही ज़्यादा लॉन्गर होती है, तो इस तरीके से क्या होगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन द ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट डाइजेस्टिव इंजाइम। तो देखिए डाइजेस्टिव इंजाइम के बारे में हमने आपको बताया था कि जो पेनक्रिया जो रहता है, तो ये जो है डाइजेस्टिव इंजाइम को सिक्रेट करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव इंजाइम कौन कौन से सिक्रेट करता है, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया भी था इसके बारे में कि जैसे पेनक्रियाटिक जूस जो कि एक लिक्विड होता है जो सिक्रेट होता है पेनक्रियास के द्वारा, जिसके अंदर में इंजाइम्स होते हैं कौन कौन से, एक होता है आपका ट्रिप्सिनोजिन जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, दूसरा आपको होता है लाइपेज जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप लोग इन दोनों को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट डाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो कौन से बॉडी पार्ट में जो डाइजेशन नहीं होती है, तो यहाँ देखिए दिया माउथ, माउथ में होता ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें भी होती है, स्टोमक इसमें भी होती है, फूड पाइप, देखिए फूड पाइप को ओसोफेगस बोलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो कोई भी डाइजेशन नहीं होती है, ये सिर्फ जो है फूड को माउथ से स्टोमक में ले जाता है, तो इसमें डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये देखिए सारा थ्योरी में हमने अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप लोग उन सबको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि बाइल विच इज़ हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो बाइल जो कि एक हेल्पफुल होता है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, तो ये प्रोड्यूस है किसके द्वारा होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्लड इज एन, तो ब्लड जो है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, बोथ ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव है। तो देखिए दोस्तों ब्लड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो एक कनेक्टिव टिश्यू का आपका जो है ये एग्जाम्पल है, तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए ब्लड के रिगार्डिंग जो है जितने भी इंपॉर्टेंट आपके थ्योरी या कॉन्सेप्ट जो भी हैं, तो ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से कवर कर लेना। और बाकी देखिए डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हो इसके रिगार्डिंग कोर्स में, आपको जो है वहाँ पे सारा क्लियरिटी हो जाएगा। तो देखिए ब्लड जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में पूरे सर्कुलेट ये करते रहता है, और जो भी असेंशियल सब्सटेंस अब जैसे कि ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट जो ज़रूरत होती है हमारे सेल्स के लिए, तो वो जो है ब्लड के थ्रू ही होती है, वो ब्लड के थ्रू ही पहुँचती है। तो ब्लड क्या है, तो एक रेड फ्लूड है आपका जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जाम्पल है। और इसके साथ में देखिए ब्लड जैसे कि हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है ये, और यहाँ पे जैसे जो सर्कुलेट जो होती है, तो ये हार्ट के थ्रू होता है, और भी बहुत सारे वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनके थ्रू कंटिन्यूसली ये होते ही रहते हैं। तो देखिए ब्लड जो है हमारा, इसके अंदर में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स। अब देखिए यहाँ पे जो प्लाज्मा है, इसके भी जो है इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वाटर है सबसे ज़्यादा 92%, प्रोटीन हो गया, साल्ट, ग्लूकोज, ये सारे बहुत सारे चीज़ आपके होते हैं। और इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो ये सारा चीज़ देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ब्लड कॉर्पसल्स में आपका जैसे कि RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, तो इनका क्या फंक्शन है, कौन किसका क्या इसका एग्जाम्पल है, तो ये सारा चीज़ आपको देखिए एक बार अच्छे से आपको समझना होगा, तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। एक बार आपको देखिए अच्छे से समझना ही होगा, क्वेश्चन आप लोगों का किसी भी तरीके से पूछे तो आप लोग कर लोगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको अगला पूछा गया था कि वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा इज, तो देखिए ब्लड के अंदर में हमने आपको बताया था कि दो मेजर कंस्टिट्यूएंट होते हैं इसके, एक प्लाज्मा दूसरा ब्लड कॉर्पसल्स। तो देखिए प्लाज्मा की बात करते हैं, तो जैसे परसेंटेज की यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि प्लाज्मा के अंदर में वाटर का परसेंटेज कितनी है, तो देखिए प्लाज्मा में वाटर और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन इसका कंपोजिशन अप्रॉक्स जो है 90% से भी ज़्यादा आपका होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो भी रहेगा आप लोग उसको मार्क कर सकते हो, इसका डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया था, तो ये चीज़ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, जैसे कि ब्लड जो है आपका इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा दूसरा ब्लड कॉर्पसल्स। तो प्लाज्मा का क्या है, एक नॉन लिविंग फ्लूइड है, और ये जो है टोटल ब्लड का 50-60% ये होता है। और यहाँ पे देखिए प्लाज्मा का जो मेन कंपोनेंट जो होता है ना, तो वो है वाटर, सबसे ज़्यादा होता है 92% इसका। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि 7% होता है, और बाकी जो साल्ट, ग्लूकोज, ये सारे चीज़ प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर में। और प्रोटीन कौन कौन से होती है, तो वो देखिए आपका होता है फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, जो कि एक ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सारा चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
आपको एक बार जो है इनको अच्छे से समझना ही होगा। और आप लोग अगर अच्छे से समझ जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कहीं से भी पूछेगा ना, तो आप लोग उसको इजीली बना लोगे। तो हमने जो है दिया हुआ है इसको कोर्स के अंदर में अच्छे से समझाएगा, एक बार आप लोग उसको जरूर देखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका कि प्लाज्मा कि विच इज़ वन ऑफ द ब्लड कंस्टिट्यूएंट इज़ एन। तो प्लाज्मा जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये ब्लड का ये कंस्टिट्यूएंट है, तो ये इसके अंदर में ये मतलब ये है क्या, सेल है, मसल है, लिक्विड है, टिश्यू है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा है ये एक नॉन लिविंग जो कि आपका लिक्विड का ही फॉर्म आपका रहता है, ये फ्लूड आपका एक्चुअली होता है, तो जो कि लिक्विड ही रहता है। तो इसका देखिए थ्री राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है तो आपके कॉन्सेप्ट से ही पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपका बहुत ही हाई फाई या फिर अलग से ही पूछ लेगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग इसको ईजिली कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि टू विच ब्लड ग्रुप ग्रुप ऑफ द ब्लड यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिलोंग। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो कि इस ब्लड ग्रुप से बिलोंग होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको दो चीज़ याद रखना, एक आपका जैसे कि होता है ओ निगेटिव और एक होता है आपका ए बी पॉजिटिव। तो जो ओ निगेटिव जो होता है तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ये जो सभी को डोनेट ये कर सकते हैं किसी भी ब्लड ग्रुप को। और एक होता है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि किसी से भी ए ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप का हो, वो होता है आपका ए बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे यूनिवर्सल रेसिपिएंट का यानी कि एक्सेप्टर के बारे में पूछा गया था यहाँ पे, तो आपका क्या होगा इसमें ए बी ग्रुप का आपका होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे डी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। और अगर यहाँ पे यूनिवर्सल अगर डोनर का पूछता आपसे तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ओ ग्रुप का आपका ये होता। तो आपको ध्यान से देखना है कि इसमें पूछा क्या गया था। तो यहाँ अगला क्वेश्चन वही पूछा गया था कि यूनिवर्सल और डोनर आर पीपल विद द ब्लड ग्रुप। तो डोनर कौन से ग्रुप का होता है, ये ओ ग्रुप के होते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए ओ आपका सी राइट आंसर इसका आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसमें देखिए पूछा गया था क्वेश्चन आपका कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एसोसिएटेड विद द फोर चैम्बर हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग। तो यहाँ देखिए फीचर आपको बताना है, जैसे फोर चैम्बर हार्ट जो होता है ह्यूमन बींग का, तो उससे जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों जो ह्यूमन हार्ट का जो रहता है ना, मतलब कि इसके जो करेक्टरिस्टिक जो फीचर जो रहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे जो हमारा ह्यूमन हार्ट है तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है किस तरह से काम करती है। हार्ट जैसे कि आप जानते हो पंपिंग ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बॉडी का, तो इसमें जो है चार चैम्बर होते हैं। दो होता है आपका राइट साइड में, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट साइड में आपका होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं दोनों साइड में आपके। तो इन सब का अलग अलग फंक्शंस होती है। जैसे राइट साइड का जो होता है तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये रिसीव करता है, और जो लेफ्ट साइड का है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये रिसीव करते हैं। तो आपको देखिए इन सब का फंक्शंस के बारे में आपको समझना होगा कि कौन किसका क्या फंक्शन है, इसके बाद जो है आप लोग क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे आप फिगर के थ्रू समझ सकते हो कि इस तरीके सर्कुलेशन जो है काम करता है। जैसे बॉडी से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि जिसमें इम्प्योरिटी होती है, तो वो आपका राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स में जाएगा, जहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका होगा इसके अंदर में, मतलब कि जितनी भी इम्प्योरिटी है वो रिप्लेस होगा, ऑक्सीजन इससे फील्ड होगा। फिर आपका आएगा पल्मोनरी वीन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में फिर जाएगा, फिर ओटा के थ्रू पूरे बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेट होती है। तो कुछ इस तरीके से पूरा साइकिल है, जो कि इसको आपको अच्छे से समझना होगा। एक बार यहाँ पर देखिए हम आपको शॉर्ट में समझा रहे, लेकिन एक बार आपको अच्छे से इसको समझना ही होगा। तो क्वेश्चन आपका यहीं पर देखिए पूछा गया था यहाँ पर, इट कंटेंस वन वेंट्रिकल टू एट्रिया। देखिए वन वेंट्रिकल तो होता नहीं है, वन वेंट्रिकल ये होगा नहीं कि इट यूजेज गिल्स, गिल्स देखिए होता नहीं है, फिश में होते हैं। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि इट सेपरेट्स ब्लड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ये देखिए जो है सही आपका दिया हुआ है, यानी कि ये जो है जैसे ब्लड डेफिशिएंट जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे फिर ऑक्सीजन ब्लड जो है सेपरेट होती है। तो ये जो है हार्ट में होता है, चैम्बर ऑफ जो हार्ट होते हैं, जो कि हमने आपको अभी प्रोसेस में समझाया हुआ है। तो डी इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी इन दोनों का आपने एलिमिनेट आपने कर दिया, क्योंकि वन वेंट्रिकल दिया हुआ था, वन वेंट्रिकल नहीं दो वेंट्रिकल्स होते हैं लेफ्ट और राइट में। तो क्वेश्चन आपका देखिए किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग इजीली बता दोगे। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग आगे भी इसी तरीके से जो है लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, तो आप लोग स्टडी करते रहो। और देखिए जो पीडीएफ हमने जो आपको प्रोवाइड किया हुआ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है तो उसका भी जो है आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में, और आप लोग जो उससे अपना स्टडी कर सकते हो। और देखिए आपको जो है
स्टडी करना ही होगा इसके बारे में। जनरल साइंस जो पोर्शन है आपका, इसको आप लोग रट नहीं सकते हो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन आपका जो है इजीली आपका बनेगा नहीं एग्जामिनेशन में। और हमने इन सबको काफ़ी सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश किया हुआ है। अगर आप लोग उनको कवर करते हो ना, तो आप लोग ये मान के चलो कि क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में ज़रूर बनेगा। तो आप लोग जो है उनमें इनरोल हो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।